अभी तक तुम्हारा काम नहीं पूरा है, हरदम ब्लॉगे ब्लॉगे क्या है ब्लॉग रे, समझाओ तो ब्लॉग। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। मैं और मेरे भैया साफ सफाई करने वाले हैं। ये कौन बुलाया इसको? अच्छे साफ करो। ओबामा के साथ मैं व्हाइट हाउस में चाय पी रहा हूँ। करी मैंने तो लगन के साथ साथ सफाई उड़ी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं आदित्य आनंद और आप देख रहे हैं बिहारी स्टाइल ब्लॉग। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं दिवाली में और अभी तक हमारे घर की साफ सफाई नहीं हुई है। तो करना, आप भी ठीक करके देता हूँ। तो आज पूरा दिन हम घर की साफ सफाई करेंगे और दिवाली की कुछ शॉपिंग भी करेंगे और आपको भी वो शॉपिंग दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कैमरा मैन आयन के साथ आदित्य। तो आज के साफ सफाई में मेरा मदद करने वाला है मेरा छोटा भाई। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तुम जमीन संभालो, हम आसमान संभालते हैं। अच्छा तो ये है मेरा रूम, तो सबसे पहले इसका साफ सफाई हम लोग करते हैं अच्छे से। देखिए हम करवा रहे हैं साफ सफाई एकदम अच्छे से। अरे लड़का, साफ सफाई थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। सर एक बार इधर देखिए जरा सर। सर नो कमेंट प्लीज। सर अरे क्या कर रहे सर आप? ओबामा के साथ मैं व्हाइट हाउस में चाय पी रहा हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वाह क्या एक्टिंग है। देना मकड़ा काट लेगा तो स्पाइडरमैन बन जाओगे, टॉम हॉलैंड की जॉब छूट जाएगी। You serious? तो अभी साफ सफाई कर रहे हैं और तो अभी हम साफ सफाई कर रहे हैं लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था तो हमने एक छोटा सा नौकर रख लिया है वहाँ पे। ये नौकर है, ये भी नौकर बनेगा। ए बन गया भी अच्छे से साफ सफाई होना चाहिए। हाँ मालिक जी, मालिक एकदम अच्छे से साफ सफाई करो जी मालिक, वरना पैसा कट जाएगा तुम्हारा। क्या बोले? इतना गंदा है आपका मलिक घर, बहुत गंदा है। गंदा लोग ही रहता है घर में। नहीं ये जो है अच्छा बात नहीं है, पैसा देते हैं बहुत कम और काम करवाइएगा इतना। अच्छा करो और मिलेगा, खुशामदी भी मिलेगी। खुशामदी नहीं होता है। तो क्या होता है? खुशबख्ती। हम तुमको देगी। मैं नहीं देगी। हमारा इधर कुआ का क्या है, तेल का कुआ है अभी भी। आओ घर कभी भी। आओ दिवाली में। सोन पापड़ी मत लाना, सोन पापड़ी मत लाना। अभी हम लोग अपना गार्डन भी साफ करना है, देख लीजिए कितना गंदा हो रखा है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अपना पहला ये आपको करना है मलिक की हमको करवाइएगा। आपसे करवाएंगे, ब्लॉगिंग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ये पहला फ्लोर है, दूसरा फ्लोर हो? पहले बोलेंगे ना ये है फर्स्ट फ्लोर। हाँ ये फर्स्ट फ्लोर पर अभी साफ सफाई कर रहे हैं हम, ठीक है हम कर रहे हैं। नीचे से चलो ठीक है, हम घूमते तब तक। ऐसे इस फ्लोर का साफ सफाई हो गया है अब। अरे बाथरूम का साफ सफाई कौन करेगा? ये भगवान क्या जुलूम है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मतलब क्या है इसका है? हम करेंगे।
हेलो दोस्तों, तो जैसे अभी ऊपर आ चुके हैं फ्लोर साफ करने के बाद, यहाँ देखिए भैया लगातार अपनी कड़ी मेहनत करते हुए साफ सफाई करते जा रहे हैं और हम यहाँ पगजोली कर रहे हैं। दो तीन थापड़ खा चुके हैं फिर भी हमें सुधरे नहीं हैं। देखिए कितना रिक्स खतरों के खिलाड़ी। अच्छे से करिएगा ठीक है, क्या अच्छे से करिएगा साले, अपना तो यहाँ घूम रहा है। अभी भी रिस्क लेते हैं थोड़ा, कभी भी दो देशों में बढ़ चुके हैं भैया, बॉर्डर पे है अभी पैर। इतने रिस्क के साथ हम करी मेहनत और लगन के साथ साफ सफाई हो रही है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। तो साफ सफाई करते करते हमारा हालत खराब हो चुका है और अभी हमारी साफ सफाई आज ही भी नहीं हुई, तो देखिए कैसे एक दिन में करते करते क्या हाल होने वाला है अभी पूरा। तो दोस्तों अभी तो ये दो फ्लोर हमने साफ सफाई अच्छे तरीके से कर लिया है, अब बचा है हमारा नीचे जो हमारा निवास स्थान है, तो वहाँ पे भी चलते हैं और वहाँ की साफ सफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहा वहा करके मस्त चलेंगे मार्केट। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर अभी कुछ काम वगैरह चल रहा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो अब यहाँ की साफ सफाई बची, अभी तक तो मेरा काम नहीं पूरा है, हरदम ब्लॉगे ब्लॉगे क्या है ब्लॉग रे, समझाओ तो ब्लॉग। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा बताओ ना। ये है हमारी मालकिन जो हमसे ऐसा काम करवा रही है, हम दो गरीब मजदूर यहाँ पे बैठे हुए हैं दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, तो कुछ बताना चाहिए, कुछ बताइए मालकिन, ये ऐसा जुल्म का है, मेरे साथ अन्याय हुआ है मालिक, ऐसा जुल्म का है। ये झूठ बोल रहा है, ये खुद घर का मालिक है। हाँ ऐसा नहीं है, कैसा लगा मेरा मजाक, इसलिए आपको हालत देख करके लग रहा होगा कि कौन मालिक है। तो घर के अंदर का साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है, अब बचा है सिर्फ थोड़ा सा बाहर का साफ सफाई, तो वो भी अब करते हैं, तो आपको फिलहाल घर दिखाते हैं। तो अभी घर में पेंट वगैरह हुआ नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो घर के बाहर के दीवारों पर भी बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी लग चुकी है, अब थोड़ा उसको भी साफ सफाई कर लेते हैं। ये सब मेरा भी होना चाहिए। तो फाइनली पूरे घर की साफ सफाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं जाता हूँ नहा वहा करके आता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ दिवाली की शॉपिंग पर, तो चलिए मिलते हैं।